morning students. Today we will discuss about another topic, which is classification of class reptilia. In our previous class we have discussed about general character of class reptilia, in which we studied that reptilians were the first animals who adapt themselves totally for the terrestrial atmospheric conditions. यानी कि reptiles जो थे वो ऐसे animals थे जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित कर लिया था. इसके लिए इन्होंने अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए. सबसे पहले इन्होंने अपनी बॉडी में स्केल्स का निर्माण किया. दूसरा, ये जो है इनके जो एग्स होते हैं वो क्लीडोइक एग होते हैं. एग के चारों तरफ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है, दैट मीन शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है. इसके अलावा इन्होंने तीसरा इम्पोर्टेंट लक्षण जो है वो डेवलप किया, इवॉल्व किया, कि इनके अंदर जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी एमनियोट्स का निर्माण हुआ, एमनियोन झिल्ली का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से ये अपने एम्ब्रियो को पूरी तरह से ड्राई होने से बचा पा रहे थे. तो ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी कैरेक्टर था जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो थे वो पूरी तरह से अपने आप को जमीन पर रखने के लिए अनुकूलित कर पाए थे. अब आप देखिए कि जो क्लास रेप्टिलिया है इसे हम लोग 5 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं. वन इज एनाप्सिडा, सेकेंड इज यूरेप्सिडा, थर्ड इज पैराप्सिडा, फोर्थ इज साइनाप्सिडा एंड फिफ्थ इज डायप्सिडा. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअल में इनके स्कल में एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरल ओपनिंग, जो कि ऑर्बिट के पीछे की तरफ पाई जाती है, आई ऑर्बिट के पीछे की तरफ. तो कुछ सब क्लासेस के अंदर वो उपस्थित है, कुछ में नहीं है, कुछ में एक है, कुछ सी में दो है. तो उस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. तो सबसे पहली वाली क्लास जो है वो है एनाप्सिडा. तो एनाप्सिडा के अंदर जो है वो सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती है, दैट मीन्स इनके पास सॉलिड स्कल होता है. तो ये जो एनाप्सिडा होगा इसके अंदर एक ऑर्डर आएगा जिसमें चिलोनिया या टेस्टुडिनाटा आता है. चिलोनिया या टेस्टुडिनाटा नाम से समझ में आ रहा है, यानी इसके अंदर जो होंगे सारे के सारे टोरोटॉइज आते हैं, है ना. तो ये वाली जो सब क्लास होगी एनाप्सिडा, उसके अंदर कौन आता है, टोरोटॉइज आएंगे. फिर यूरेप्सिडा जो है ये क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी है. पैराप्सिडा जो है ये क्लास भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. साइनाप्सिडा जो है ये क्लास भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. अब कोई लिविंग स्पीशीज जो है इन सब क्लासेस की रेप्टिलिया के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है. फोर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब क्लास जो आती है वो है हमारी डायप्सिडा. डायप्सिडा के नाम से ही पता चल रहा है, डाय दैट मीन्स टू, तो इनके अंदर टू टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाएगी. एंड सब क्लास डायप्सिडा इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री ऑर्डर्स. तीन ऑर्डर्स होंगे इसके. वन इज रिंकोसिफेलिया, अनदर इज स्क्वैमिटा एंड द थर्ड वन इज क्रोकोडिलिया. तो ये तीन इसकी ऑर्डर्स हैं. जो स्क्वैमिटा है उसे फिर से हमने दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया है, लेसर्टिलिया और ऑफिडिया. जो लेसर्टिलिया होंगे उसके अंदर सारे के सारे लिजार्ड्स जो है वो आएंगे, और ऑफिडिया जो है उसके अंदर सारे के सारे स्नेक्स आएंगे, ठीक है. तो ये सारा का सारा ओवरव्यू हुआ क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन का. क्या है क्लासिफिकेशन, 5 सब क्लासेस हैं, एनाप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनाप्सिडा एंड डायप्सिडा. एनाप्सिडा जो है उसमें सिंगल ऑर्डर है, चिलोनिया या टेस्टुडिनाटा. ये तीनों क्लासेस जो बीच की है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. और लास्ट जो डायप्सिडा सब क्लास है उसे फिर से तीन ऑर्डर में डिवाइड किया है हम लोगों ने. रिंकोसिफेलिया है, स्क्वैमिटा है और क्रोकोडिलिया है. स्क्वैमिटा को फिर से दो ऑर्डर्स में, लेसर्टिलिया और ऑफिडिया. लेसर्टिलिया के अंदर सारे के सारे लिजार्ड्स आएंगे, जबकि ऑफिडिया के अंदर सारे के सारे स्नेक्स जो हैं वो आते हैं. अब हम लोग एक एक को वापस से डिस्कस करते हैं. दिस इज ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना. चलिए अब हम पहली हेडिंग डालते हैं, सब क्लास एनाप्सिडा. सब क्लास वन विच इज एनाप्सिडा, इसमें प्रिमिटिव रेप्टाइल्स होते हैं. विथ सॉलिड स्कल रूफ होगी इनकी, दैट मीन्स टेम्पोरल ओपनिंग जो है, टेम्पोरल पोर जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा. नो टेम्पोरल ओपनिंग. तो ऑर्बिट होगा, आई ऑर्बिट जो है. तो इस तरह से सॉलिड स्कल पाया जाता है, इनका जो स्कल है वो सॉलिड होता है. टेम्पोरल ओपनिंग उसके अंदर नहीं पाई जाएगी,
तो सबक्लास एनाक्सिडा में प्रिमिटिव रेप्टाइल्स आगे सॉलिड स्कल रूफ होगा और टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इसका ऑर्डर वन जो है वो है आपका फिलोनिया, चिलोनिया के अंदर, यानी कि सारे के सारे कौन आते हैं इसके अंदर, टोरटॉइड्स जो है, कछुए जो है वो आते हैं। तो इनकी बॉडी जो है वो कैसी होगी, शॉर्ट ब्रॉड एंड ओवल। टोरटॉइड्स की बॉडी देखिए आपने, छोटी होती है, चौड़ी होती है और ओवल अंडाकार शेप की होती है। लिम्स जो है वो क्लॉडेड और वैक्ड हो सकते हैं, जाल पाया जाएगा उनके बीच में, पेडल लाइक होंगे क्योंकि ये पानी में क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तो इसके बीच में इनके पांव जो होंगे वो कैसे होंगे, वेट होंगे और पेडल लाइक होंगे ताकि वो पानी में अच्छे से प्रोपेल कर पाए। बॉडी जो है वो एनकेस्ड इन फार्म शेल, कछुए की बॉडी को देखा है आपने, वो शेल से कवर्ड रहती है। तो जो ऊपर वाला डॉर्सल का शेल होता है उसका नाम क्या होगा, कैरापेस, और जो वेंट्रल शेल होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द शेल, इट इज नोन एज प्लेस्ट्रॉन। नो स्टर्नम, स्टर्नम एब्सेंट होगा इसके अंदर। फिर सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है फॉर द कॉपुलेशन, हार्ट पार्टली फोर चैम्बर, और इसमें इट इंक्लूड्स फोर हंड्रेड स्पीशीज ऑफ टोरटॉइज। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए, इसमें चिलोन होगा, टेस्ट्यूडा होगा, प्राइमिक्स होगा, और ट्राइसेमस होगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, क्लास एनाक्सिडा, सब क्लास एनाक्सिडा जो होगी प्रिमिटिव पेप्टाइड्स वाली है, सॉलिड स्कल रूफ होता है, टेम्पोरल ओपनिंग नहीं उपस्थित होती है। इसमें एक सिंगल ऑर्डर है चिलोनिया, इसकी बॉडी, चिलोनिया के कैरेक्टर्स देखिए, इनकी बॉडी जो है वो शॉर्ट होगी, छोटी होगी, ब्रॉड होगी और ओवल होगी। लिम्स जो है वो क्लॉडेड, यानी लंबे लंबे नाखून जो है वो पाए जा सकते हैं या फिर बैट होंगे, और पैडल लाइक होंगे पानी में तैरने के लिए। बॉडी एनकेस्ड जो है, बॉडी जो है वो एक शेल से कवर्ड रहती है, जो डॉर्सल पार्ट ऑफ शेल है दैट इज नोन एज कैरापेस, और वेंट्रल पार्ट ऑफ शेल जो है वो कहलाएगा प्लेस्ट्रॉन। इनके अंदर स्टर्नम नहीं पाया जाता है, सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाएगा फॉर द कॉपुलेशन, एंड हार्ट जो है वो पार्टली फोर चैम्बर होता है, आंशिक रूप से चार पार्ट में डिवाइड होता है। इट इंक्लूड्स 400 लिविंग स्पीशीज, 400 स्पीशीज इसके अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल इसमें होंगे चिलोन, टेस्टुडोन, ट्रायोनिक्स और क्राइसेमस। तो ये हुआ आपका सब क्लास एनाक्सिडा। फिर हम बात करते हैं सब क्लास कौन सी थी, डायप्सिडा की बात। बाकी बीच की तो तीन जो थी वो एक्सटिंक्ट थी, है ना, सब क्लास डायप्सिडा। क्या कैरेक्टर्स होगा, स्कल में टू टेम्पोरल ओपनिंग, बोथ साइड्स स्कल के दोनों तरफ ऑर्बिट के पीछे जो है वो दो टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो पाई जाएगी। ऑर्डर वन देखिए इसका, रिंकोसिफेलिया, कैरेक्टर्स क्या होंगे इसके, बॉडी स्मॉल, इलॉन्गेटेड,
लिजर्ड लाइक होगा, लिम्स पेंटाडेक्टाइल होंगे, पांच उंगलियां पाई जाएगी यानी कि क्लॉडेड होंगे और बरोइंग होंगे, ये एनिमल जो है वो बरोइंग होंगे। स्किन कवर्ड विथ कवर्ड बाय स्केल्स विथ मिड डॉर्सल रो ऑफ स्पाइन्स। बर्ड की पीछ होगी वो एम्प्टी सीलस होगी और वी कैन से इट इज बाय कॉनकेव। ईट एक्रोडॉन्ट होंगे। एग्जांपल देखिए, सिंगल लिविंग स्पीशीज है इसकी, इस सब क्लास की एक ही लिविंग स्पीशीज है, सिंगल लिविंग स्पीशीज होगी स्फिनोडॉन। पंक्टेटम ठीक है। तो सेकेंड सब क्लास जो है वो है हमारी डायप्सीडा। डायप्सीडा का क्या कैरेक्टर है कि इनके अंदर स्कल के दोनों तरफ दो टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। इसका फर्स्ट ऑर्डर जो है वो रिंकोसिफेलिया है। रिंकोसिफेलिया के कैरेक्टर्स देखिए, बॉडी जो है वो स्मॉल होंगी, इलॉन्गेटेड होगी, लिजर्ड लाइक दिस, ये लिजर्ड जैसी बॉडी जो है वो होती है इनकी। लिम्स पेंटाडेक्टाइल होंगे, पांच उंगलियां पाई जाएगी जिसमें क्लॉड पाए जाएंगे, लंबे लंबे नाखून पाए जाएंगे और ये जो है वो बॉडी का जो साइज है या इनके पैरों का जो शेप है वो किसके लिए अनुकूलित है, बरोइंग हैबिट के लिए, बिल बनाकर रहने के लिए अनुकूलित है। स्किन जो है वो स्केल से कवर्ड रहेगी, साथ के साथ मिड डॉर्सल रो ऑफ स्पाइन। आप लोगों ने देखा होगा कि इनमें बीच के अंदर जो है वो लंबे लंबे बॉडी के बीच में मिड डॉर्सली जो है वो लंबे लंबे स्पाइन्स पाए जाएंगे इस तरह से, है ना। उसके अलावा वर्टिब्री जो है वो एम्फिसीलस या बाइकॉनकेव है। वर्टिब्री मतलब कशेरुकाएं, जो कशेरुकाएं हैं उनका जो सेंट्रम होता है वो सेंट्रम कैसा होगा, बाइकॉनकेव, यानी दोनों ही तरफ से अवतल होगा। तो इस तरह की वर्टिब्री जिसमें बाइकॉनकेव जो है वो सेंट्रम पाया जाता है वो एम्फिसीलस कहलाएगी। टीथ जो है वो एक्रोडोंट है, मतलब बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी सॉकेट के अंदर उपस्थित नहीं होते, सीधा बोन के ऊपर नुकीले दांत जो है वो लगे रहेंगे, रो ऑफ टीथ जो है वो लगी रहेगी। तो इस तरह के टीथ जो कि सॉकेट के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, गड्ढों में उपस्थित नहीं होते हैं, दीज टीथ आर नोन एज एक्रोडोंट टीथ। तो एक्रोडोंट टीथ होंगे। सिंगल लिविंग स्पीशीज पाई जाती है इसके अंदर, स्फिनोडॉन पंक्टेटम। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर जो आता है वो है इसका स्क्वामेटा। ऑर्डर सेकेंड इज स्क्वामेटा। स्क्वामेटा जो है वो कैसे सिंगल होते हैं, ये स्मॉल टू मीडियम, छोटे से मीडियम साइज के हो सकते हैं, इलॉन्गेटेड बॉडी होती है इनकी, लिम क्लॉडेड होते हैं, बट एब्सेंट इन स्नेक्स। वर्टिब्री प्रोसीलस होगी इस तरह की, एंटीरियर तो होगा कॉनकेव और पोस्टीरियर होगा कॉन्वेक्स। टीथ एक्रोडॉन्ट होंगे,
with double copulatory organ. दो सब ऑर्डर्स हैं इसके, टू सब ऑर्डर्स, लेसेटीरिया और वी कैन से ऑल लिजर्ड्स आर इंक्लूड इन दिस सब ऑर्डर एंड सेकेंड इज ऑफिडिया विच इंक्लूड ऑल स्नेक्स. ठीक है, क्या बॉडी कैसी होगी लिजर्ड लाइक, इनमें क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए. तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है वो स्क्वायर हेटा है, स्मॉल टू मीडियम साइज के इलोंगेटेड बॉडी वाले एनिमल होंगे ये. इनकी बॉडी में लिम्स जो है वो क्लॉडेड होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं या वेस्टिजियल पाए जाते हैं. वर्टिब्री जो है वो प्रोसीलस है, एंटीरियर तो होगा कॉन्केव और पोस्टीरियर होगा कॉन्वेक्स. तो इस तरह की मतलब इनका सेंट्रम जो होगा वो एंटीरियरली तो अवतल होगा और पोस्टीरियरली उत्तल होगा. तो इस तरह के सेंट्रम वाली वर्टिब्री जो है वो कहलाती है प्रोसीलस. टीथ एक्रोटोट है, दैट मीन सॉकेट में उपस्थित नहीं है, सिर्फ बोन्स के ऊपर लगे हुए हैं. मेल जो है उसके अंदर डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है. और ये जो ऑर्डर है इट इज फर्दर डिवाइडेड टू टू सब ऑर्डर्स, वन इज लेसर टीडिया जिसके अंदर सारे के सारे लिजर्ड्स पाए जाएंगे और सेकेंड इज ओफिडिया जिसमें सारे स्नेक्स आते हैं. तो जो लेसरटीडिया सब ऑर्डर है उनकी बॉडी जो है वो लिजर्ड लाइक होगी. जो आई है उनमें आईलिड्स जो है वो मूवेबल होती है ना, लिम्स और गर्डल इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं. जबकि ओफिडिया के एनिमल्स जो है उनकी बॉडी जो होगी सिलेंडर होगी, इलांगेटेड होगी, लिम्स जो है वो वेस्टिजियल होंगी या पूरी तरह से एब्सेंट होंगी. आई जो है वो आईलिड्स जो होती है उनकी फिक्स होती है ना. क्रेनियल नर्व्स इनके अंदर 12 पेयर्स पाई जाती है, जबकि क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे स्नेक्स के अंदर 10 पेयर्स पाई जाएगी. एग्जाम्पल्स क्या होंगे यहाँ पे देखिए, हेमिडेक्टाइलस होगा है ना, फिर उसके अलावा कैलोटिस होगा, वेरेनस, ड्रैको, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, कैमिलियन. ऑफिडिया के अंदर स्नेक के अंदर जैसे सपोज पाइथन हो गया, नाजा हो गया, वाइपर हो गया या बुनगैरस हो गया, क्रैच हो गया, गोवा हो गया. तो बहुत सारे स्नेक जो है वो सब ऑर्डर ऑफिडिया के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. फिर नेक्स्ट ऑर्डर आता है क्रोकोडिलिया. नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर सारे के सारे कौन है, क्रोकोडाइल्स इंक्लूड किए गए हैं. क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं या फिर घड़ियाल जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं इसके अंदर, है ना. सो लास्ट ऑफ सब ऑर्डर हो गया इसका, ऑर्डर 3 इज क्रोकोडिलिया. इसमें लार्ज साइज कार्निवोरस एनिमल एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं. लार्ज साइज कार्निवोरस एक्वेटिक रेप्टाइल, टेल लॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग है एंड लिटरली कंप्रेस्ड होगी. लिम्स शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे पांव पाए जाएंगे बट पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्लॉडेड होते हैं, वेब्ड होते हैं, पानी में तैरने के लिए हेल्प करने वाले होते हैं. स्किन थिक है, कवर्ड विद स्केल और स्पूट्स. स्पूट्स भी बोलते हैं इसको. टीथ बहुत सारे हैं, थीकोडोंट है. हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है. मेल विद मीडियम इरेक्टाइल
पैनिस फॉर पॉपुलेशन. एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें क्रोकोडाइल, गैबियालिस, घड़ियाल जिसे कहेंगे अपन, एंड एलिगेटर. तो इस ऑर्डर थ्री का जो है क्या कैरेक्टर्स है, लार्ज साइज वाले एनिमल्स होते हैं, पानी पुरुष होते हैं, पानी में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स हैं. टेल जो है वो लंबी है, स्ट्रांग है और लिटरली कंप्रेस होगी, बहुत स्ट्रांग होगी. लिम्स जो है वो भी छोटे हैं लेकिन पावरफुल हैं और पानी में तैरने के लिए वैप्ड होते हैं. स्किन थिक होगी, कवर्ड विद स्केल्स और स्पूट्स. टीच जो है इनमें बहुत सारे पाए जाते हैं और थीकोडॉन्ट होते हैं. थीकोडॉन्ट मतलब सॉकेट के अंदर उपस्थित होते हैं, गड्ढों में बने हुए उपस्थित होते हैं. और ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की क्रोकोडाइल रेप्टाइल होते हुए भी इनके अंदर कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट जो है वो पाया जाता है. मेल के अंदर सिंगल इरेक्टाइल पेनिस पाया जाएगा फॉर पॉपुलेशन. एग्जाम्पल होंगे क्रोकोडाइल, गैबियालिस एंड एलिगेटर. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया. थैंक यू सो मच.